नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज आपके लिए बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट अपडेट लेकर आया हूं जो कि इंडियन नेवी की तरफ से निकल के आ चुका है। जी दोस्तों, इंडियन नेवी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने ही वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलता रहेगा और समय रहते आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसीज़ की बात करें तो और बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जिनको आप हमारी वेबसाइट पर जाके चेक करके अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। और इसके लिए सिंपली आपको गूगल में जाना है और वहाँ पर जाके आपको टाइप करना होगा www.clori.com और फर्स्ट नंबर पर आपको हमारी वेबसाइट जो है वो मिल जाएगी। वहीं से सारे जॉब रिलेटेड अपडेट्स आप ले सकते हैं और चेक करके अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रिक्रूटमेंट अपडेट के ऊपर और वहीं पर चल के बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस रिक्रूटमेंट के बारे में। सो ये नोटिफिकेशन जो है इंडियन नेवी की तरफ से आउट किया गया है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन नेवी की तरफ से ये नोटिफिकेशन है जिसके लिए मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं और अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि इस वैकेंसीज़ के लिए सबसे पहले तो आपने 10th पास की हुई है, मतलब मैट्रिक आपकी पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे इन वैकेंसीज़ के लिए आपकी जो एज है वो 1 नवंबर 2003 से लेके या 30 अप्रैल 2007 के अंदर अंदर होनी चाहिए तो ही आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं, चेक करके इसके लिए अप्लाई जो है वो कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ पर मैं बात करूँ इन वैकेंसीज़ के बारे में तो यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस जो है वो अनमैरिड होना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट बात करूँ तो यहाँ पर आपकी जो है आपको 30 दिन की लीव पर ईयर आपको जो है मिलने वाली है यहाँ पे, जिसके लिए आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपको आपकी सैलरी जो है 30,000 पे आपकी सैलरी यहाँ पे रहने वाली है और यहाँ पे आपको सेवानिधि बेनिफिट भी जो है वो मिलने ही वाले हैं यहाँ पे वहाँ पे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फर्स्ट ईयर आपकी जो सैलरी यहाँ पे वो 30,000 रहेगी, सेकेंड ईयर 33,000, थर्ड ईयर 36,000 और उसके बाद फोर्थ ईयर आपकी जो है 40,000 यहाँ पे सैलरी आपकी जो है वो रहने वाली है जिसके लिए आप अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इन वैकेंसीज़ के लिए, ये जो वैकेंसीज है इसमें आपका लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, डेथ कंपनसेशन, डिसेबिलिटी कंपनसेशन भी आपको दिया जाने वाला है। यहाँ पर आप जो वैकेंसीज़ देख पा रहे हैं ये वाली सारी जो वैकेंसीज़ है, इन वैकेंसीज़ के लिए भी आपको जो है वो ये सारे बेनिफिट जो है वो मिलने ही वाले हैं, प्लस अदर बेनिफिट भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। और यहाँ पे आपको एज अ रेगुलर सेलर के तौर पे भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, मतलब इन वैकेंसीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं आगे ताकि आपको बेनिफिट हो सके। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें इन वैकेंसीज़ के लिए तो यहाँ पर आपकी जो है मेडिकल एंड CSD फैसिलिटीज़ जो आपको है वो भी यहाँ पर आपको मिलती हैं, उसके लिए भी आप चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो है सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ पर आपका इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट जिसको INET भी बोलते हैं आप, वो होने वाला है सबसे पहले। उसके बाद आपकी जो है शॉर्टलिस्टिंग होने के बाद नेक्स्ट स्टेज आपका जो रहेगा वो आपका मेडिकल रहेगा, ठीक है जी, जो कि आपका रहता ही है हर बार, ठीक है, मेडिकल प्लस आपका जो जो मेजरमेंट रहता है बॉडी का वो भी यहाँ पे होने वाला है। वहाँ पे आपकी मिनिमम हाई स्टैंडर्ड 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर पाएंगे। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कैंडिडेट्स जो हैं यहाँ पे वो आपके सब कुछ टैटू वगैरह जो आपके हैं वो आपको जो अगर विजिबल हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। ट्रेनिंग आपकी बिल्कुल होगी जो कि यहाँ पे INS चिल्का उड़ीसा में होने वाली है। और यहाँ पे आपका डिस्चार्ज अगर आप ट्रेनिंग के टाइम पे या कई आपकी ड्यूटी के टाइम पे अनफिट पाए जाते हैं तो भी आपको यहाँ पे जो है वो आप डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, जो कि इन्होंने प्रॉपर लिखा हुआ है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है indiannavy.ca.in पे जाके आपको अप्लाई करना होगा और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपको इसके लिए अप्लाई जो है वो करना है। सारे के सारे जो है वैकेंसी जितने भी आपको देख पा रहे हैं आप, सारी वैकेंसीज आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगी इनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। फिर भी आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ही सकते हैं, मैं आपके लिए सभी तरह के लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट जो है वो लेकर आता ही रहूँगा। ये आज का नोटिफिकेशन है तो अब मैं आपको मिलूँगा नए नोटिफिकेशन पे जाके नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद जी।